रिलेशनशिप होती है खतरनाक बीमारी। जी हाँ, बीजेपी के सांसद का रिलेशनशिप को लेकर एक बड़ा बयान आया है, तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। नमस्कार, मैं शशि और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया लाइव। हरियाणा के महेंद्रगढ़ से भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह ने शीतकालीन सत्र में गुरुवार को लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक बड़ी बात कही है। धर्मवीर सिंह ने लिव इन रिलेशनशिप को लेकर एक खतरनाक बीमारी बताया है। जी हाँ, उन्होंने इसे समाज के लिए खतरनाक बीमारी बताया है। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार से इसके खिलाफ कानून बनाने की मांग भी किया है। आपको बता दें, धर्मवीर सिंह ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे को उठाते हुए कहा, प्रेम विवाह तलाक की दर अधिक है, इसलिए ऐसे रिश्तों के लिए दुल्हा और दुल्हन के माता पिता की सहमति अनिवार्य बनाई जानी चाहिए। सांसद ने कहा कि मैं सरकार और संसद के ध्यान में एक बहुत ही गंभीर मुद्दे को लेकर आना चाहता हूँ। भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम और भाईचारे के दर्शन के लिए जानी जाती है। हमारा सामाजिक ताना बाना दुनिया में दूसरों से अलग है। पूरी दुनिया हमारी विविधता में एकता से प्रभावित है। समाज का एक बड़ा वर्ग आज भी माता पिता या रिश्तेदारों द्वारा तय विवाह को प्राथमिकता देता है। इसमें दुल्हा दुल्हन की सहमति होती है। विवाह में सामाजिक और व्यक्तिगत मूल्यों और पसंद के साथ साथ पारिवारिक पृष्ठभूमि जैसे कई सामान्य चीजों को भी देखा जाता है। उन्होंने आगे कहा कि शादी को एक पवित्र रिश्ता माना जाता है जो 7 पीढ़ियों तक चलता है। भारत में तलाक की दर लगभग 1.1% है, जबकि अमेरिका जैसे देशों में यह दर लगभग 40% है। यह भी देखा गया है कि व्यवस्थित विवाह में तलाक की दर बहुत कम होती है। हालांकि भारत में भी तलाक की दर में काफी वृद्धि हुई है और इसका मुख्य कारण प्रेम विवाह है। सांसद धर्मवीर सिंह ने कहा कि इसको देखते हुए मेरा सुझाव है कि प्रेम विवाह में दुल्हा दुल्हन के माता पिता की सहमति होना आवश्यक है। ऐसे ही और खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यू इंडिया लाइव के साथ।